फाइनली हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं हैदराबाद में जो बहुत वियर्डली फेमस है बट स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा मान्यता है। जी हाँ, वी आर गोइंग टू वीजा वेंकटेश। कहते हैं लोग कि जिन लोगों को वीजा चाहिए रहता है इंटरनेशनली जाने का और नहीं मिल रहा होता, वो यहाँ के अगर प्रे करते हैं तो उनकी कामना पूरी हो जाती है। तो हम भी चल दिए। एंड मीनवाइल जाते जाते हम लोग हैदराबाद के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर मार्केट में भी गए विथ द वन एंड ओनली अक्का। चलो देर किस बात की, व्लॉग में जंप इन करते हैं। वन मोर सरप्राइज व्लॉग, मेरे को भी पता नहीं था व्लॉग होने वाला है बट हो रहा है। वी आर गोइंग टू मोइनाबाद। वहाँ पे वेंकटेश, वीजा वेंकटेश बोल के एक भगवान है जो बहुत फेमस है, वेरी स्पिरिचुअल। अपेरेंटली स्टोरी है कि जिनको वीज़ा नहीं मिलता वो वहाँ पे आके मन्नत करते हैं तो उनको वीज़ा मिल जाता है। सो हम लोग भी जा रहे हैं, आज शिवरात्रि के दिन है तो वील बी हेडिंग टू वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस प्लेस। मॉर्निंग 4:30 से इफ यू कम यू कांट इवन पुट योर फुट हियर। ओह हेवी, इट विल बी वेरी क्राउडेड। क्या बात, बाइक नर्च कोड़ा चल के भी नहीं आ सकता, चल के भी नहीं आ सकते। चलो चलो फूल खरीदते गाइस। हेवी हेवी पूजा वी आर डूइंग टुडे। दिस ऑरेंज एंड येलो वन, पहले इट इज बंती। बंती भाई कितने दिनों बाद गेंदा फूल देखा हो। यहाँ पे फूल बाहर से आते हैं ना, एक्चुअली में यहाँ पे उगता नहीं है तो बाहर से ही आता है सब। ओ भाई गेंदा फूल का मार्केट है। शामंती, व्हाट डज दैट मीन? लाइक एनी मीनिंग? बेस्ट बेस्ट भाभी। सो मेनी फ्लावर्स गाइस, इनसेन। देख रहे जितने भी फूल है सब बाहर से आते हैं, सब होलसेलर्स एंड प्रोवाइडर्स हैं जिनका काम ही यही है थोक में फूल लाना। मोगरा, ये वाला कनाकर, ये लोकल फूल है कनाकमरा। अरे बाबा बहुत अच्छा फूल है ये, मोगरा है। ओ क्या बात है, क्या मोदुगा 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 मोदुगा। फेवरेट फ्लावर मिल गया हम लोगों को जो उनको पसंद था। और भी काफ़ी गुलाब हैं यार यहाँ पे, मतलब बहुत टाइप के फ्लावर्स हैं। शो यू ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, आई थिंक इनसे ही होल सेल में कार्नेशन वगैरह जो भी रहता है ना वो सब लेके जाते हैं। ये सब, दीज आर ऑल बाहर बाहर से लाए हुए हैं ये सारे के सारे। फिर भी कितना दूर से? मुंबई। मुंबई से महाराष्ट्र। सब ये जितने भी हैं सारे बाहर के ही है? तो कितने दिन फिर रहते हैं ये? दो तीन दिन बस। तो दो तीन दिन में जो सेल हो गया हो गया, वरना वरना आपका गया। अरे बाप रे बाप, ये खराब वाले हैं क्या? ये खराब है? अरे बाप रे, तो बहुत लॉस भी होता है, हेवी लॉस होता है, हेवी टेंशन वाला काम है ये तो भाई। मतलब गुलाब दिखने में तो बढ़िया है लेकिन ये दो तीन दिन ही टिकते फिर खराब हो जाते। डैम यार बिजनेस तो टेंशन वाला है, ये दिखने में खूबसूरत है लेकिन। बोली ना हैदराबाद फोन पे बात करके जेसीबी चला रहे, क्या बात, लेट्स गो। क्या ये जेसीबी? जेसीबी बड़ी बात नहीं है? जेसीबी बड़ी बात नहीं है, वो कौन सा बात है? फ्लाइट कौन चला रहा है एक हाथ से? कहाँ से पता चला आपको? हाँ रामलिंगम भाई, वो आजकल जेसीबी वाला कहे को फ्लाइट भी चला रहा है, बहुत फोन पे बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, लेकिन अपने वेंकट भाई रूल्स फॉलो करते पूरा। देखो सीट बेल्ट फीट बेल्ट लगा के, वी डोंट ब्रेक रूल्स गाइस। रामलिंगम रामलिंगम भाई, वो अपना सवाल मत करो।
महादेव 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 आरती का टाइम हो गया है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होता है। सो अभी आरती चालू होगा कुछ पल में एंड देन वील बी एबल टू सी क्या होता है। मंदिर में कैमरा इज नॉट अलाउड बट आरती के टाइम पे अलाउड है, पंडित जी ने बोला। रिकॉर्डिंग अब इट काफी का लगाया वहाँ पे, कुछ भोजन भी हो रहा था वहाँ पे भी, हम लोगों ने थोड़ा सा खाया। इट वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, शुड विजिट इफ यू आर फ्रॉम हैदराबाद। आदर्श इज रीडिंग स्वीट नेम्स ऑफ तेलुगु, कोवा गोबा तुलु नेथी पूर्णम बोरेलु, नॉट बोरेलु 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 नो बोरेलु बोरेलु जुन्नू जुन्नू बासुंदी रसमलाई इज देयर गुलाब जामुन फर्स्ट वन कोवा गोबाटलू यू नो पूरनपोली पूरनपुड़ी या वी से पूरनपुड़ी या दैट इज दैट ओनली ओ दिस इज पूरनपुड़ी बट दिस इज स्वीट पूरनपोली इज आल्सो स्वीट ओनली नो वी मेक दाल में स्पाइसी मतलब थोड़ा दाल देके भी बनाते हैं दिस इज द डेजर्ट वन स्वीट स्वीट वन ओ So many things are there, I can read all day. Munakkaya, Karive Paku. Okay, enough for today. Good job. Since I'm back at home, I can explain you about the temple. Jis mandir pe main gaya tha, wo tha Shri Chilkur Balaji Temple. It is very close to Hyderabad. Around 30-40 minutes lagte hai. Moinabad ke paas hai. And it is a Balaji, matlab, it is the temple of Balaji God. And weirdly, that temple is very famous for उनको वीजा वेंकटेश बोलते हैं, वीजा बालाजी टेम्पल बोलते हैं, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स, काफ़ी लोग जिनको वीजा वगैरह नहीं मिलता या कोई परेशानी होती है विथ रिगार्ड्स टू देयर ट्रैवल एंड एवरी थिंग, दे गो एंड प्रे देयर एंड अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उनको 108 बार पूरे मंदिर के टर्न्स लेने पड़ते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये टेम्पल का एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा था। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वेंट टू द फ्लावर मार्केट एंड ऐसे मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है होता होगा, बट इट वाज रियली पावरफुल। वहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, वहाँ पे भी हम गए थे, तो शिवरात्रि के दिन हमारा भोले बाबा के दर्शन भी हो गए हमारे एंड इट वाज अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड ऐसे कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर मेरे को आने वाले टाइम पे एक्सपीरियंस करने को मिलती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस। एंड हैदराबाद से जो लोगों को कमेंट करके बताना कि आप वहाँ गए हो कि नहीं एंड और भी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ तो डू लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।